हेलो ऑल, कैसे हो आप सब? वेलकम टू एक्सोटिका कुकिंग एंड बेकिंग इंस्टीट्यूट। आज हम आपके लिए एक नई रेसिपी लेकर आए हैं, जो है कोकोनट मैंगो शेक। कोकोनट मैंगो शेक इसलिए ये है क्योंकि गर्मी है तो कोकोनट बहुत ज़रूरी है, और सीज़न है तो मैंगो बहुत ज़रूरी है, मैंगो की सीज़न है। तो दोनों को मिलाकर हम एक शेक बनाने वाले हैं। तो आज हम मैं ले रही हूँ इंग्रेडिएंट में, ये है मेरे पास टेंडर कोकोनट की, मतलब पानी और उसकी मलाई दोनों, साथ में है मैंगोज, फिर थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, और एक यूनिक प्रोडक्ट है मेरे पास जो है मैंगो तापी क्रश, तापी का मैंगो क्रश। ये तापी क्रश मतलब अभी अगर आपके आम की सीज़न है तो आप यूज़ कर सकते हो, पर ये विदाउट सीजन भी बहुत आपको प्योर फील देगा, मतलब बहुत प्योर टेस्ट देगा। तो हम आज इसका भी यूज़ करने वाले हैं साथ में। तो जब आपके मतलब मैंगो की सीज़न नहीं हो तब आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज हम कोकोनट मैंगो शेक। तो फ्रेंड्स, इसमें हम डालेंगे, जैसे मैंने बताया, नारियल का पानी और उसकी मलाई दोनों हमें साथ में डालना है। उसके बाद हम डालेंगे आम के पीसेस, थोड़ा सा जो मैंने ये बताया तापी मैंगो क्रश। इससे क्या होगा, आपको एडिशनली शुगर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 3-4 टेबलस्पून जितना ये डालना है। साथ में हम डालेंगे थोड़ा सा बर्फ, अब हम इसको ग्राइंड कर देंगे। एकदम स्मूथ ग्राइंड करना है आपको। अब हम इसे क्या करेंगे, छान लेंगे, इसको अच्छे से छान लेना है। अच्छी तरह से हमें इसे छान लेना है। ग्राइंड एकदम अच्छे से होना चाहिए ताकि अंदर कोकोनट का पूरा फ्लेवर आ सके। जो कोकोनट मलाई हमने डाली है ना, उसका पूरा अच्छी तरह से फ्लेवर आ सके। अब हम इसे सर्व करेंगे। आप चाहो तो और बर्फ भी डाल सकते हो, साथ में आप वेनिला आइसक्रीम भी डाल सकते हो। ऊपर से हम डालेंगे ये आम कटे हुए। फिर थोड़े से काजू, रोस्टेड काजू है ये,
थोड़ी सी बादाम, और थोड़े से पिस्ता, पिस्ता ऑप्शनल है, तो फ्रेंड्स ये हमारा मैंगो कोकोनट शेक तैयार हो गया। आप ज़रूर से बनाना, अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझे ज़रूर से कमेंट बॉक्स में शेयर करना। तो फ्रेंड्स ये हमारा कोकोनट मैंगो शेक तैयार हो गया, आप ज़रूर से बनाइए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही हो तो हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच, कीप मेकिंग।